संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सांसद सपना श्री प्रमोद सिंह जी, माननीय महापौर सपना श्री योगेश नारायण जी, पंचायत के सभी कर्मानिगण, उपस्थित सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया कमीशन, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज के स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टेशन का विकास और यात्री सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी करना भारतीय रेलवे की प्राथमिकता रही है। इसी श्रृंखला में आज सतना रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सांसद सत्ता जी की उपस्थिति में किया जा रहा है। सतना स्टेशन को लगभग 272 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें स्टेशन बिल्डिंग का अभियान, अलग अलग ट्रायल और डिमार्शन बिल्डिंग, 36 मिनट वाला रूट लाइन, नए फूड हॉल के साथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म एवं संपूर्ण प्लेटफॉर्म पर शेड, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास एवं स्टैंडर्ड साइनेज का प्रावधान किया गया है। इसका प्रसार यहाँ के प्रसिद्ध नए लेकर मंदिर के दर्शन किया जाएगा। अंत में मैं माननीय केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय सांसद जी एवं मंचा जी, सभी मान्यों का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब हम सतना के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री गणेश जी जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय सांसद जी से संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध है। टच कर रहा हूँ, पीछे करो, पीछे करो, टच हो रहा। भारत माता की। माननीय रेल मंत्री जी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली तक पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। सतना रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित भारत सरकार के हमारे यशस्वी रेल मंत्री, जिन्होंने अपने अनुभवों के चलते आज देश के रेलवे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय रेलवे बनाने का प्रयास निरंतर करते रहे हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, मंच पर उपस्थित हमारे सतना नगर पालिक निगम के लोकप्रिय महापौर, जिनके प्रयासों से सतना एक स्मार्ट शहर बन रहा है। महानगर की तर्ज में सतना के विकास को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मदद से किया जा रहा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय महापौर योगेश सावरकर जी, हमारी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, हमारे बिंद चंबरा कॉमर्स इंडस्ट्रीज सतना के अध्यक्ष हमारे सतीश सुखेजा जी, हमारे शहर के गणमान्य आदरणीय श्री अशोक गुप्ता जी, आदरणीय प्रहलाद कुशवाहा जी, हमारे पूर्व महापौर ममता पांडे जी, हमारे समाजसेवी कुदरतुल्ला बेग जी, हमारे पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, हमारे डीआरएम आदरणीय विवेक शील जी, सभी उपस्थित अन्य अधिकारीगण, हमारे सामने बैठे हुए
इस शहर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित भाइयों, बहनों, मित्रों, आज सचमुच सतना को एक बहुत बड़ी सौगात जिसकी कल्पना हम लोगों के मन में नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो देश के विकास का एक नया विजन उन्होंने प्रस्तुत किया, और न सिर्फ रेलवे का बल्कि देश का कोई ऐसा विभाग नहीं है और देश का कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहां के लिए उन्होंने नई योजना बनाने का काम न किया हो। कभी हमारा रेलवे विश्व के दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे था, लेकिन आज वही भारत है। आज हम जिस तरह से उनके नेतृत्व में नई तकनीक का उपयोग करते हुए, नए संसाधनों का समावेश करते हुए, और जिस तरह से आज रेलवे को एक विश्व स्तरीय रेलवे के स्थिति में लाकर के पहुंचाने का काम किया, वो अद्भुत है। आज जब पहली बार भोपाल के अंदर रानी कमलापति जी के नाम से जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना, जब उसको उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री भी आए थे तो पूरा दुनिया देख रहा था क्या ऐसे रेलवे स्टेशन बन सकते हैं, क्या ऐसी थीम भारत में आ सकती है, ऐसी विचार को हम धरती पर उतार सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने सचमुच एक ऐसा ऐतिहासिक जिसकी स्थापना किया उन्होंने, जिस तरह से हम लोग हवाई अड्डों में देखते हैं सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए, उससे भी बेहतर सुविधाएं रेलवे स्टेशन में मिल रही है। उसी तर्ज पर हमारे सपना को भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने का जो हमें स्वीकृति मिली थी, आज मैं आप सब की तरफ से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को चाहता हूँ एक बार तालियां बजा करके आप सब उनका जरूर धन्यवाद करें। ये जो योजना है ये आने वाले 50 वर्षों के लिए, 50 वर्ष के बाद हमारा सतना रेलवे स्टेशन कैसा होगा, ये कल्पना है, ये विजन है प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का। आज अगर 10,000 से ज्यादा यात्री प्रतिदिन यहाँ से आते जाते हैं तो 50 साल बाद ये संख्या बढ़कर के हो जाएगी 65-70 हजार से ज्यादा और रोज। उसी हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो रहा, लगभग 6 एकड़ से ज्यादा एरिया है, 3 मंजिला 4 मंजिला इसको बनाएंगे, दोनों तरफ एंट्री पॉइंट होंगे, एक तरफ आगमन होगा एक तरफ प्रस्थान होगा, और रेलवे स्टेशन के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा लाउंज बनेगा जो यात्रियों को ठहरने के लिए भी, विभिन्न प्लेटफॉर्म में जाने के लिए भी, तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाने का निश्चय हुआ है। 25 से ज्यादा एक्सीलेटर लगेंगे, लिफ्टें लगेंगी, 5 प्लेटफॉर्म होंगे, इंट्री गेट और पीछे का गेट दोनों वेंकटेश मंदिर जी जो हमारा बगल में है, जैसा भी महापौर जी कह रहे थे, वेंकटेश मंदिर के थीम पर इस रेलवे स्टेशन को बनाने की रचना की गई है। ये अपने आप में सतना की और बहुत बड़ी पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेलवे का जिस तरह से लगातार विकास हो रहा है, ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने के बाद हमारे विंध्य क्षेत्र का ही नहीं, इस पूरे सर्किल का, रीजन का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन सतना बनेगा, और ये हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ये माननीय रेल मंत्री जी, ये हमारा एक औद्योगिक जिला है, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन हमारे इस क्षेत्र में होता है, ये लाइम स्टोन और अन्य खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा जिला है। हम आपको रेलवे वैगनों के माध्यम से काफी रेवेन्यू देते हैं, और उसी
हिसाब से इसका विकास भी हो रहा हमारे लोकसभा क्षेत्र में मझगवा से लेकर के झुकेही तक और सतना कैमा से लेकर के तुर्की बघाई तुर्की रीवा तक ये पूरा लोकसभा क्षेत्र फैला हुआ है। आज जिस तरह से रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ है श्रेणीवा मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इसमें आपकी जो मदद आपका जो मार्गदर्शन आपका जो समर्थन मिला इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा। सतना रेलवे स्टेशन हमारा बीचों बीच शहर के अंदर है और इसके विस्तार के लिए निश्चित तौर पर आपने एक बड़ी परियोजना हमको 272 करोड़ की दी है और ये बनकर के जब तैयार होगा तो हमारा नगर वैसे भी हमारा जो शहर है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ से ज्यादा के काम नगर निगम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाने की जो सौगात आपने दी है ये हमारे नगर को एक महानगर बनाने की दिशा में निश्चित तौर पर हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां बहुत है। अभी हमारे चैम्बर के अध्यक्ष कह रहे थे कि रेलवे का थोड़ा सा अगर सहयोग हमें मिल जाए तो हम अपने शहर के अंदर की सड़कों को भी चौड़ा कर सकते हैं, व्यापारिक कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। यहाँ जो माल गोदाम है बगल में कैमा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर शिफ्ट करने की आपकी तैयारी चल रही है, जल्दी उसका हो जाए व्यवस्थापन। हमारी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का भी यहीं से होकर के आगे पन्ना खजुराहो तरफ जाने वाली है, उसके भी निर्माण की गतिविधियों को हम चाहते हैं कि और तेजी से किया जाए। बीच में हम लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन जो आपने शुरू किया है ये अद्भुत है, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे देश के अंदर ही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हो रहा है और हमारे देश के विभिन्न राजधानियों से चलकर के देश को जोड़ने का काम आपके नेतृत्व में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आज जमीन पर पूरी तरह से उतर करके लोगों की सुविधा के साथ जुड़ चुका है। हम चाहते हैं कि एक वंदे भारत ट्रेन सतना रीवा से हमको भी मिले। मुंबई के लिए सीधी रेल लाइन की रेलगाड़ी की हमने शुरू में मांग की थी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ध्यान उस पर है। आने वाले समय में जिस तरह से हमारे यात्रियों की सुविधा के व्यवस्थाएं की है, गाड़ियों के स्टॉपेज हमको दिया आपने, कोविड के समय पर जो गाड़ियों के स्टॉपेज बंद हो गए थे लगभग उनमें से सभी गाड़ियों के स्टॉपेज हमें उन्हें मिले हैं। उचेरा का जरूर एक 2-3 गाड़ियों का भी शेष रह गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद उसके लिए हमें मिलेगा। मैं पुनः इस बड़ी सौगात के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सतना के नागरिकों को यात्रियों को अपनी ओर से माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और आप सब आए आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं जिन निश्चित बड़ी सुनने के लिए आप हम सब बड़ी देर से प्रतीक्षा रखते हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय रेल नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे आदर और सम्मान के साथ माननीय केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध है। माननीय रेल मंत्री जी नमस्कार। सतना रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ में उपस्थित सतना के सांसद भाई श्री गणेश सिंह जी ऐसे सांसद हैं जो कि मेरे ख्याल से पूरी लोकसभा में सबसे एक्टिव सांसदों में जिनकी गिनती की जाती है। एक एक प्रोजेक्ट के लिए इतना अच्छा फॉलोअप करते हैं, इतना ध्यान से पर्सनली हर चीज का ध्यान रखते हैं, सभी मंत्रियों के पीछे एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम फॉलोअप करके सतना के लिए हमेशा जिनका प्रयास सराहनीय प्रयास रहता है। हम सब आपस में बात भी करते हैं कि जिस तरह से माननीय गणेश सिंह जी काम करते हैं वैसा हर सांसद को उनसे सीखना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े भाई साहब श्री गणेश सिंह जी, सतना के महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी, जिनके बारे में आज अभी माननीय सांसद जी बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया आपने,
माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह जी, रेलवे के महाप्रबंधक जीएम साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है पूरे आपके टेन्योर में, रेलवे के सभी उपस्थित अधिकारी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं दो तीन विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के साथ एक भावनात्मक, इमोशनल जुड़ाव है। उनके, प्रधानमंत्री जी के बचपन का बहुत बड़ा समय रेलवे के साथ जुड़ के निकला और रेलवे को आज भी एक हमारे साधारण मानवी की सवारी के तरीके से जाना जाता है। हमारे जो लोअर इनकम के साथी हैं, मिडिल इनकम, मिडिल क्लास के साथी हैं, उन सब के लिए रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवारी है। यही सोच के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले देश भर में रेलवे के विकास के लिए एक नए तरीके से शुरुआत की। साफ सफाई हो स्टेशन की, ट्रेन्स की साफ सफाई हो, हर तरीके से नए तरह की टेक्नोलॉजी आए, काम करने का नया तरीका निकले, नई तरह की ट्रेन आए, एक बिल्कुल एक नए तरीके से काम करना आरंभ किया। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रति कांग्रेस की सरकारों में, यूपीए के समय में किस तरह से एक सौतेला व्यवहार होता था। मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य को रेलवे के विकास के लिए मात्र 632 करोड़ रुपए दिए जाते थे। इतने बड़े प्रदेश, जितनी बड़ी जनसंख्या, इतना विशाल क्षेत्रफल, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, 632 करोड़ रुपए मिलते थे। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 10 गुना किया, फिर 20 गुना करके आज मध्य प्रदेश को 13,607 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं रेलवे के विकास के लिए। इसका परिणाम है मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट आरंभ हुए। आप सब जानकर खुश होंगे, मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों का विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। 80 स्टेशन का वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। अपने रीवा, सतना, इस क्षेत्र में ही अगर देखें तो कुल मिला के वर्ल्ड क्लास बनाने के हमारे 5 स्टेशन पे काम एक साथ चल रहा है। बरगवान, मैहर, रीवा, सतना, जहां आज काम आज आरंभ हुआ, और सिंगरौली, इन 5 स्टेशन का बड़े मात्रा में अच्छे तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम स्टार्ट हो रहा है। इन सब स्टेशन को हम अमृत स्टेशन कह रहे हैं क्योंकि ये अमृत काल के दौरान बन रहे हैं। और जैसा माननीय सांसद जी बता रहे थे, हर वक्त डिजाइन में ये ध्यान रखा गया है कि अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख के डिजाइन बनाया जाए। आपने भोपाल रानी कपापति स्टेशन में देखा होगा, पटरी के ऊपर एक बहुत बड़ा रूफ प्लाजा है, 100 फुट के आसपास चौड़ा है वो। ऐसा लगता है जैसे पटरी के ऊपर स्टेशन बना है। बहुत ही उससे यात्रियों के लिए एक अच्छी तरीके से सुविधा हो जाती है कि वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, आराम से भोजन की व्यवस्था है, बच्चों की खेलने की व्यवस्था है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे गाड़ी आए तभी नीचे प्लेटफॉर्म पे जाए, वैसी व्यवस्था स्टेशन के डिजाइन में की गई है। वैसा ही रूफ प्लाजा सतना में भी 100 फुट का, करीब 36 मीटर का रूफ प्लाजा सतना में बन रहा है। दूसरी बड़ी बात होगी कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनेगा स्टेशन, यानी शहर स्टेशन के दोनों तरफ जब डेवलप हो गया तो दोनों साइड से एंट्री हो सके, वैसी व्यवस्था की जा रही है। अभी आपने देखा हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन एक साथ किया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसमें से करीब 300 स्टेशन पे काम ऑलरेडी आरंभ हो चुका है और मुझे खुशी है कि आज सतना में भी काम आरंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे की तरफ से 77,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश में अकेले रेलवे सेक्टर में 77,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे धन्यवाद देना है माननीय सांसद जी को। जब हमने 3 ऑप्शन बनाए रेलवे के, तो माननीय सांसद जी ने, गणेश सिंह जी ने
प्राचीन वेंकटेश्वर मंदिर की डिजाइन का जो प्रारूप है उसी प्रेरणा से इस स्टेशन का, सतना स्टेशन का विकास करने का हम दोनों ने मिलकर फाइनल किया। और इसमें मैं माननीय गणेश सिंह जी को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि ये आपने टोटल अपनी संस्कृति का ध्यान रख के, शहर की जो भावना है उसका ध्यान रख के आपने डिजाइन फाइनल किया। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि सभी नागरिकों को इस स्टेशन की डिजाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से, आपके इंस्टा के माध्यम से सभी के पास पहुंचे, वैसी आप व्यवस्था करें। और बाकी जो आपने विषय रखे, मालगोडाउन को शिफ्ट करने का, ललितपुर सिंगरौली लाइन का जल्दी त्वरित भाव से इसका निर्माण करने का, इन सब पे मिलके काम करेंगे। और सतना को जैसा आपने कहा आज कि नगर से महानगर बनाने की जर्नी पे सबके सब मिलके काम करेंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपके प्रयासों से और रेलवे डिपार्टमेंट के प्रयासों से और जन जन के प्रयासों से सतना को एक वर्ल्ड क्लास शहर और उसमें वर्ल्ड क्लास स्टेशन, इस भावना के साथ सभी मिलके काम करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभेच्छा आपको, बहुत अभिनंदन आप सभी का। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गौरव पुरस्कार के हम सभी साक्षी बने हैं। कार्यक्रम के अंत में अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मंडल के प्रबंधक जी को कि वे सभी के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आए। प्रबुद्ध जनों के प्रति हम आभारी है कि आपने सिलेना समारोह को गरिमा प्रदान करके इस आयोजन को सफल बनाया। सतना स्टेशन के नव निर्माण के शिलान्यास के बाद यह स्टेशन अब जबलपुर मंडल का सुंदर आकर्षक एवं आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त स्टेशन बनेगा। इससे पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। शिलान्यास के इस ऐतिहासिक पद में उपस्थित हमारे पूर्वजान माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय महाप्रबंधक जी सहित आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करके समारोह को भव्यता प्रदान की। अतिशय धन्यवाद। धन्यवाद।